हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मार्केटिंग मेजर 8 अप्रोचेस की क्या अप्रोचेस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो इसमें 8 अप्रोच है। फर्स्ट है प्रोडक्ट और कम्युनिटी अप्रोच, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, थर्ड है फंक्शनल अप्रोच, फोर्थ है मैनेजमेंट अप्रोच, फिफ्थ है सिस्टम अप्रोच, सिक्स्थ है सोसाइटल अप्रोच, सेवन्थ है लीगल अप्रोच और 8th है इकोनॉमिक अप्रोच। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो स्टडी ऑफ मार्केटिंग है इसमें डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे मार्केट में, किसी का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैसे मूवमेंट करता है मार्केट में। आप इसमें स्टडी करते हैं कितने पर्सन होलसेलर रिटेलर्स एजेंट इन्वॉल्व है, जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे मूव करता है। आप स्टडी करते हैं कमोडिटी के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्टडी ऑफ मार्केटिंग अप्रोचेस बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से जाके प्रेजेंट स्टेज में पहुंचता है, तो ये प्रोसेस है कि कैसे आप इवोल्यूशन और डेवलप करते हैं इन अप्रोचेस को। तो ये अप्रोचेस हैं जिनमें कि हमको फोकस करना चाहिए, जो हमने देखे थे 8, इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। ये स्टडी करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका कैसा मूवमेंट हो रहा है, वो प्रोड्यूसर से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक कैसे जाएगा, उसके बारे में स्टडी करना। आप इसमें स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कमोडिटी से रिलेटेड, मतलब क्या सोर्सेस होंगे आपके सप्लाई की, क्या कंडीशंस होगी, किस नेचर की डिमांड है, कितने एक्सटेंड की है, कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट और कमोडिटी के अप्रोच को बताता है। इसमें आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल राइस, तो राइस के क्या सोर्सेस है, कौन सी लोकेशन पे आपको मिलेगा, कितना बायो सेल करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कैसे आप उसको सेल करेंगे, फाइनेंसिंग कैसे होगी, स्टोरेज, पैकेजिंग, पूरी पिक्चर्स मार्केटिंग की जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोड्यूसर से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक जाने की जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच। इसमें आप स्टडी करते हैं, पर आपको हमेशा इस मेथड को रिपीट स्टडी करनी होगी, सिस्टम से इनको जाना होगा, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सिंपल तरीके से आप मार्केटिंग कर सके हर प्रोडक्ट की। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में स्टडी करते हैं, पर इसमें आपको टाइम लगता है, ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और ये रिपीटेटिव प्रोसेस होती है, ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इस अप्रोच का फोकस होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। अगर हम बात करें लाइक मिडिलमैन, होलसेलर, रिटेलर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एजेंसीज, वेयर हाउसिंग, जो कि इंगेज रहते हैं मार्केटिंग में कि कैसे मूवमेंट होगा गुड्स का, तो इस अप्रोच में हम जानते हैं कि कितने मिडिलमैन है, हम फोकस करते हैं कि कैसे हम उनको समझें, हम उनको एनालाइज करें, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो ये पूरे मार्केटिंग के फंक्शंस को बताते हैं कि जो भी बिजनेस है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जो कि मार्केटिंग का ही पार्ट है, मार्केटिंग का ही फंक्शन है। आप इसमें देखते हैं कि पूरी प्रोसेस में कैसे मूव होगा गुड्स प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर्स तक, तो इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ पर्सन की जरूरत होती है जो कि इसमें एंगेज रहते हैं। ये सिस्टम में आप अटेंशन देते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फंक्शंस है मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस के, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस। इनमें कोई सी ऐसी मेथड नहीं है जो आपको पूरा नॉलेज दे सके मार्केटिंग फंक्शन के बारे में, पर ये इंटर रिलेटेड होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, तो इसमें आपका फोकस होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। नेक्स्ट आता है फंक्शनल अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो मार्केटिंग है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो आपको देखना है कि आपको किस पे फोकस करना है, कौन से फंक्शंस पे फोकस करना है। लाइक हम बात करें बाइंग करता है, सेलिंग करता है, प्राइसिंग रखना, स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग। तो आप इसमें स्टडी करते हैं, एक ही स्टडी करने के बाद दूसरे में, और आप इसके पूरे ऑर्डर्स को समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, इसके नेचर को जानते हैं, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है हर फंक्शंस का। तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होता है जो भी बिजनेस है वो कैसे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज करता है। इसमें इंक्लूड होता है बिजनेस की एक्टिविटीज जो कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को फ्लो को बताती है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है कि आप मार्केटिंग फंक्शंस को जाने, उसको कैसे आप स्पेसिफिक बिजनेस के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अप्रोच। ये अप्रोच लेटेस्ट और साइंटिफिक है। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है मार्केटिंग फंक्शंस पे कि आप फोकस करके कैसे डिसीजन मेकिंग का रोल अच्छी तरीके से प्ले करते हैं। ये अप्रोच होता है कि जो भी मैनेजर है वो कैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखता है, सिचुएशन को देखता है, कैसे इवेल्युएट करता है करेंट मार्केट को, स्पेसिफिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगा। तो इस पे मेनली टू फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल में रहते हैं, जो कि इंटरनल आप डिसाइड करते हैं, लाइक प्राइस का एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट करना, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये क्या हो कंट्रोलेबल। वही अनकंट्रोलेबल जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, तो ये भी आपके मार्केट को चेंज
चूज करते हैं, आपको देखना है कि आप इन सिचुएशंस में भी कैसे डिसीजंस लेंगे आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख। नेक्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच डिफाइन करता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो सिस्टम अप्रोच बताता है कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें कि आप रिलेशनशिप को देखते हैं उनके एट्रीब्यूट्स के साथ में। तो इसमें आपका फोकस होता है कि आप देखते हैं मार्केटिंग के कौन से फंक्शंस का इंटर रिलेशन या इंटर कनेक्टेड है। तो आप इसमें स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मार्केटिंग के कनेक्शंस को आपकी फर्म के अंदर, फर्म के बाहर, और वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है बिजनेस की एक्टिविटी को, लाइक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्राइसिंग। तो ये सारी प्रॉपर फीडबैक पे होता है कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे अपनी प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि आपको डिजायर आउटपुट मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, आप उनको देख के रिलेशनशिप को डेवलप करके और उसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सोसाइटल अप्रोच। ये अप्रोच रिसेंटली आया है। ये बताता है कि जो भी मार्केटिंग की प्रोसेस है इसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी की क्या नीड है, हम उसको जाने, उसको फुलफिल करें। तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस कैसे कस्टमर्स की नीड को जानता है, उन पे कैसे अटेंशन देता है, मतलब कि आप इकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं, सोशोलॉजिकल, कल्चरल और लीगल को, और फिर आप आपके मार्केटिंग डिसीजंस को लेते हैं, मतलब आपका बिजनेस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके वेलबींग के लिए आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आपको उस पे फोकस करना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेते रहे। नेक्स्ट आता है लीगल अप्रोच। इसका फोकस होता है कि आप जब भी कोई बायर किसी भी प्रोजेक्ट को खरीद रहा है तो आप उसको ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप इसमें एक्सप्लेन करें क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट है मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग की एक्टिविटी इंडिया के अंदर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे एक्ट्स को आपको फॉलो करना है, लाइक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, करियर एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट्स को। तो आपको इनको स्टडी करना है लीगल एस्पेक्ट को, और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे छूट गए, आपको आइडिया नहीं था जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको जाना है और उन पर फोकस करना है। जैसे कि अभी टैक्सेस की नई पॉलिसी GST आया है, तो आपको देखना है कि आपके गुड्स पर कितना GST लगेगा, उन सारी चीजों को आपको फॉलो करना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक अप्रोच। ये अप्रोच डील करता है सप्लाई, डिमांड या प्राइसिंग की प्रॉब्लम से, और ये इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अगर मार्केटिंग के बारे में क्लियर आइडिया नहीं तो आप अच्छे से नहीं कर सकते, मतलब कितनी डिमांड चल रही है, कितनी सप्लाई है, किस प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, तभी आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं कि आपको कितना करना है, कैसा करना है, आपको समझ में आएगा, वरना आप कैसे मार्केट में जा सकते। तो ये बताते हैं इकोनॉमिक अप्रोच में। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा स्टडी ऑफ मार्केटिंग अप्रोचेस। फर्स्ट है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, थर्ड है फंक्शनल अप्रोच, फोर्थ है मैनेजमेंट अप्रोच, फिफ्थ है सिस्टम अप्रोच, सिक्स्थ है लीगल अप्रोच, और एट्थ है इकोनॉमिक अप्रोच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।